दो शब्द बात से हो जाता है। हाँ तो ये एक है सबसे महत्व चीज है। आपने हमारे लिए जितना भी किया वाक्य कम पड़ेगा उसको आभार प्रकट करने के लिए। नहीं, कुछ नहीं, बाकी और भी जिसको भी चाहिए वो भी बता सकता है। हम लोग मेरे माइंड में सही है। जितने देखिए हम ज्यादा अगर लेंगे एक उतना जगह में अच्छा एक है। जन हाँ बोलिए एकदम कुछ। एकदम एकदम एक एक करके ऑर्डर करने के लिए किसी को समय होगा नहीं होगा, जान पाएगा नहीं पाएगा, इकट्ठा मिलके 10-12 लोग अगर एक साथ में कर लेंगे तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा। हाँ, और इतने सस्ते मूल्य पे उपलब्ध हैं ये सब। नहीं तो आप बच्चों हाँ की हाँ भी कोई पुस्तकें देखिए, 200-300 रुपए में एक पुस्तक आती है। और जबकि ये लोग जो संस्कृत का पब्लिशर्स हैं, प्रकाशक, वो लोग 200-300 में पांच हाँ पांच चार चार पांच पांच पुस्तकें अच्छी अच्छी प्रिंट करके पूरी उसमें रंगीन और सब रहता है, अच्छे से दे जी रहे जी हैं। जी हमको तो लेना ही चाहिए और सारी। एक बार पुस्तक हो जाने से क्या होगा ना, एक एक पठन हो जाएगा और वो भी थोड़ा मदद करेगा। हाँ बिल्कुल। आज और कोई आए हैं या नहीं? तो आपको मम जवनिका पश्य शिवा, हाँ पश्चामी। उत्तम उत्तम। तो पहले हम ओम उच्चारण शुरू करते हैं, बाकी कौन कब आएगा वो तो हम देखते रहेंगे। चलेंगे। जब हाँ भी आएगा तो हम उच्चारण शुरू करते हैं अपना। तो जी एक सेकेंड। हाँ आ गया। आंखें बंद करते हैं और 1 मिनट तक ओम का उच्चारण करेंगे। और उच्चारण के समय सिर्फ वो ध्यान देना है हमको अपने अंदर, शरीर के अंदर, कि अ वो और म तीनों अलग अलग कहाँ से ध्वनियां निकल रही हैं। तो चलिए अनुभव करते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे हम आंखें खोल सकते हैं। और देखिए, आंखें खोलते ही राधिका जी भी प्रकट हो गई हमारी कॉल में। राधिका जी, नमो नमः। नमो नमः अंशु जी। नमो राधिका महोदय, नमो नमः महोदया। नमः मिश्रा जी। हाँ, तो नमो अब नमो एक नमः। चीज हम और अब समझेंगे, और ये अभी विशेषतः राधिका जी के लिए है, कि जो हिंदी में हाँ हम जी कहते हैं ना, मिश्रा जी, हाँ राधिका जी, तो उसको हम संस्कृत में महोदय या महोदया कह सकते हैं, या फिर श्रीमान और श्रीमती भी चलेगा। संस्कृत में उसके लिए कई सारे उद्बोधन हैं, और मान्यवर और मान्य ये भी चलेगा। हाँ तो इनमें से कोई मैं भी कोशिश उपयोग कर करूंगी, सकते। हाँ मैं कोशिश करूंगी। आदत तो नहीं है तो धीरे धीरे से हो जाएगा।
हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, सब आ जाएगा धीरे धीरे। और ऊपर एक चीज हमने पहले बात की थी, संगणकम। तो संगणकम क्या है, आपको किसी को याद है किसी? संगणकम, कंप्यूटर। कंप्यूटर। हाँ, इसको यहाँ पे थोड़ा सा बना के भी देखते हैं, शायद बन जाए। कंप्यूटर को थोड़ा सा अब लग रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा? हाँ लग गया सर, माउस भी आ गया, कीबोर्ड भी आ गया। हाँ, माउस भी है, माउस को थोड़ा सा काला कर देते हैं तो सही में चूहे जैसा दिखेगा। हाँ, संगणकम जो है नपुंसक लिंग है क्योंकि अंत में म आता है, और ऐसा नहीं है कि हर शब्द जिसके अंत में म आता है वो नपुंसक लिंग है, लेकिन वो भी हम धीरे धीरे सीखेंगे कि म किन किन परिस्थितियों में आता है, वो थोड़ी आगे की पढ़ाई है, सीखेंगे धीरे धीरे, 5वीं 6वीं कक्षा में वो भी आएगा हमारे पास। तो पर संगणकम जो है वो नपुंसक लिंग है यहाँ पे। इसी तरह आपने यदि सुना होगा पुस्तकम, अहम पुस्तकम पठामि, या हम जैसे हमने कल उदाहरण लिया था, अहम संस्कृतम पठामि। तो संस्कृतम क्या है? अब वहां पे संस्कृतम जो है वो नपुंसक लिंग नहीं है, लेकिन वो दूसरा उपयोग है, जब किसी शब्द के अंत में म आता है तो वो हम बाद में सीखेंगे, पर अभी हम अपने उपयोग के लिए, अभी के अभी उपयोग के लिए हमको जो जो आवश्यक पड़ रहा है, जैसे भवतः नाम किम, मम नाम अंशु, भवतः नाम किम राधिका महोदया, भवत्याः नाम किम राधिका महोदया, भवत्या भवत्या नाम किम? मम नाम राधिका, मम राधिका। प्रश्न पूछतु। क्या ये देखो, भवत्याह बोलेंगे? और भवतः, पुल्लिंग है तो भवतः और भवत स्त्रीलिंग है तो भवत्याह। तो जैसे मैंने आपसे जब पूछा तो मैंने बोला भवत्याह नाम किम, ठीक है? अब आप मिश्रा जी से भवत्याह पूछेंगी तो अब आप क्या बोलेंगी? नाम। देखिए यहाँ पे लिखा है, सामने लिखा है। आप एक आप पूछे भवतः बार मम नाम किम मिश्रा नाम महोदय। भवतः, हाँ हाँ भवतः नाम किम मिश्रा महोदय? मम नाम डीएस मिश्रा, भवत्याः पुत्र अस्ति राधिका महोदया? हाँ भवत्याः पुत्र अस्ति। मम दिल्ली नगरे वस्ति। हाँ, तो अब थोड़ा सा सीखते हैं यहाँ पे भी। जब मिश्रा जी ने पूछा अहम दिल्ली नगरे भवत्याह, अब भवत्या। देखो आपने पूछा भवत्याह कुत्र अस्ति, ठीक है? तो अस्ति जो है यहाँ पे, भवत्याः पुत्र अस्ति, तो अस्ति पुत्र यदि हम अस्ति। बोलेंगे अकेला भवत्याह कुत्र अस्ति तो ये थोड़ा सा अशुद्ध हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि भवत्याह मतलब भवति ब ब ब आपका, हाँ भवती पूछा तो फिर चलेगा। भवत भवति आपने भवती बोला था क्या? भवत हाँ,
भवती ज्यादा होगा, अच्छा होगा, भवती की कुत्र अस्ति, और या फिर भवत्याह गृहम कुत्र अस्ति, तो गृहम लगा दिया तो फिर वो शुद्ध हो जाएगा कि आपका घर कहाँ है, ऐसे पूछ रहे हैं, या फिर भवती कुत्र अस्ति वो भी चलेगा। भवत्याह गृह कुत्र अस्ति राधिका महोदया? मम गृह दिल्ली नगरे अस्ति। मम गृह दिल्ली निवासी है। मम गृह दिल्ली नगरे गृहम गृहम मम गृहम दिल्ली नगरे हस्कास क्षेत्रे समथिंग क्षेत्रे हाँ क्षेत्रे अस्ति। उत्तमम उत्तमम। और यदि गृहम की जगह आपसे वो पहला वाला प्रश्न पूछा होता मिश्रा जी ने कि भवती कुत्र अस्ति, तो आप मम गृहम वाला उत्तर भी दे सकती हैं, और आप सीधे ये भी बोल सकती हैं कि अहम दिल्ली नगरे अस्मि। तो अब ये अहम यदि बोलना है तो फिर उसमें अस्मि आ जाएगा, अंत में अस्मि आ जाएगा, क्योंकि मैं हूं बोलना है मुझे, हूं, ठीक है ना। हम गृहम की बात नहीं कर रहे, क्योंकि घर तो है लेकिन मैं हूं, तो है और हूं में जो अंतर है वही अस्ति और अस्मि का अंतर है। तो अस्ति एंड अस्मि। हाँ, तो अहम दिल्ली नगरे अस्मि अस्मि अहं अवं वयं माम अवं। तो इतना अंतर ये उपयोग समझा पाऊं? हाँ। अहम कर्ता को धातु आएगा अस्मि। अब ये ऊपर वाला जो ये लिस्ट सूची है इसको हम एक बार देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। सिर्फ ऊपर की ये दो लाइन जो दिख रही है, दो पंक्तियां, भवान और भवती का अर्थ है आप, भवान पुल्लिंग के लिए और भवती स्त्रीलिंग के लिए। और वैसे ही जब हम नाम पूछते हैं कि आपका नाम, तो भवत्याह नाम किम या भवतः नाम किम, तो वो है आपका, भवतः और भवत्याह है जो आपका। तो उपयोग के अनुसार जैसे हमको पूछना है कि आपका नाम क्या है, तब हम भवतः भवत्याह लगाएंगे, लेकिन हमको सिर्फ आप बोलना है, आपका नहीं बोलना। जैसे अभी मिश्रा जी ने पूछा था कि आप कहाँ रहती हैं या आप कहाँ हैं, भवती कुत्र अस्ति, मिश्रा जी ने ऐसे पूछा था, तो तब हम उपयोग कर रहे हैं आप, आपका नहीं कर रहे, तो इसलिए भवान या भवती उपयोग हो जाएगा। अब इसी के अहम मतलब भवान और भवती जो है, ये तो सामने वाले से, जब हम कोई हमारे सामने है उसको हम बोलते हैं मध्यम पुरुष, जो सामने वाला है मध्यम पुरुष। अभी मैं नीचे वाली तालिका भी दिखाऊंगा तो और समझ में आएगा, लेकिन पहले हम ऊपर देखते हैं। तो मध्यम पुरुष तो यहाँ पे हो गया। अब बीच में यहाँ जो दिख रहा है ये है उत्तम पुरुष, जो हम खुद के लिए अपने मैं या मेरा ऐसे उपयोग करते हैं उसके लिए होता है। तो खुद के लिए जो है अहम मैं और मम मेरा, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि हम मैं बोलना चाहते हैं या मेरा बोलना चाहते हैं, तब वो अहम या मम में अंतर आएगा। तो जैसे मम नाम अंशु, क्योंकि मेरा नाम अंशु है, आपने भी जैसे बोला मम नाम डीएस मिश्रा या मम नाम राधिका, तो क्योंकि मेरा आपको उस समय ये बोलना है, ओनरशिप है उसमें मेरा। लेकिन अहम दिल्ली नगरे वसामि या फिर मम गृहम दिल्ली नगरे अस्ति, तो दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन हम उन दोनों को अलग अलग तरह से बोल रहे हैं कि अहम दिल्ली नगरे वसामि या अहम पुणे नगरे वसामि, तो मैं पुणे में रहता हूँ, और इसमें अहम की जगह यदि मम लगाना है तो फिर मम गृहम मेरा घर पुणे नगरे अस्ति। तो ये उपयोग दोनों समझ में आ रहे हैं आपको?
राधिका जी, ऐसा है जैसे कि वो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि जब हम बोलते हाँ. कि मैं रहती हूँ, मतलब वो मैं खुद रहती हूँ, खुद की बात जब घर के बारे में बोल रहे हैं तो वो घर के बारे में बोल रहे हैं, नॉन गिविंग थिंग. उत्तमम उत्तमम. तो जब उसकी बात कर रहे हैं नहीं, हम राधिका जी वहाँ और हाँ बोलिए. आपका मतलब अस्थि होगा, आपका मीन्स घर कहाँ पर रहे और आप कुत्र अस्थि, मतलब जैसे हम बोल रहे हैं भवति भवति कुत्र अस्ति, मतलब मैं आपको पूछ रहा हूँ कहाँ आप रहते हैं. अगर मैं कहूंगा आपका घर कहाँ पर है तो वहां पर अस्ति आएगा, मम गृहम दिल्ली नगर है अस्ति. बट जब मैं पूछूंगा मैं जब आपको पूछूंगा भवति किम भवति कुत्र अस्ति, मतलब मैं आपको पूछ रहा हूँ आप कहाँ रहती हो, तो आप बोलेंगे मम दिल्ली मामा नहीं, वहां पर आम आएगा. आप ओके. और आपके डिफरेंस है, देखिए भवतः भवति जब मैंने पूछा भवति पुत्र अस्ति तो मैंने आपको पूछा, तो इसलिए आप बोलोगे अहम. अहम मतलब मैं दिल्ली नगर है अस्ति या बसामी, हम जो अहम बसामी या अहम अस्ति. अहम अगर करता होगा तो उसका धातु होगा अस्ति, अस्मि या बसामि. अगर कहीं आपका घर कहाँ पर है, अगर कोई पूछा आप कहाँ रहते हो और आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हो का मतलब अहम दिल्ली नगरे बसामि या अहम दिल्ली नगरे अस्मि. अगर मैं बोलूंगा भवत्या गृह कुत्र अस्ति ना मम गृह दिल्ली नगर अस्ति, वहां पर अस्ति को अस्ति आएगा. क्योंकि अभी हम लोग प्रश्नोत्तर करते हैं उसी के साथ सीखेंगे, तो खुद खुद सीखना है. और एक प्रश्न पूछेंगे महोदय. हाँ तो मैं प्रश्न करूंगा उसके साथ ही सीखेंगे, क्योंकि हम समझाते समझाते नहीं सीख सकते, लेकिन जी, जी. अपना अपना जब सोचते जाएंगे तब हम सीखते जाएंगे. तो मैं शुरू करता हूँ, आप लोग अपने अपने उत्तर देते जाइएगा, ठीक है. तो हम अभी कुछ शुरू की कक्षाओं में हम परिचय पे ही रहेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि अपने बारे में हम कई सारी चीजें कैसे बता सकते हैं और सामने वाले से या किसी और से कैसे पूछ सकते हैं. तो अब मैं फिर से एक चीज बताता हूँ और आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएगी, मुझे लगता है कि समझ में आएगी, नहीं समझा तो पूछ लीजिएगा, फिर देखते हैं कैसे उत्तर होता है. मम नाम अंशु, अहम पुणे नगरे वसामि, मम गृहे मम माता, एक भगिनी एवं भ्राता न अस्ति. सो मम गृहे मम माता मम भगिनी अस्ति, भ्राता न अस्ति. भवत्याः नाम किम राधिका महोदय? मम नाम राधिका अस्ति. नास्ति नहीं होगा. अहम ना नहीं, मम नाम राधिका. नहीं चलेगा चलेगा, उनको बोलने दीजिए मिश्रा जी, आपका जब नंबर आएगा तब हम चर्चा करेंगे, अभी उनको बोलने दीजिए, बीच में कुछ भी मत बोलिए. अहम दिल्ली नगरे वसामि. उत्तमम. मम गृहं होटल किचन पति बालकः और बालिका, तो बच्चा लड़का है तो बालकः, बालिका है तो पति तो पति ही है, और संस्कृत में पति ही भी होता है और पति यूज होता, पति उपयोग होता है, पति आप सीधे बोल सकते हैं. मम पति मम गृहम गृहम पति और बालक और बालिका अस्ति. सो अब तीन लोग हैं तो अस्ति की जगह संति हो जाएगा.
बहुवचन मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अस्ति। और यहाँ पे असल में ये तालिका में वो तीन लिखे ही हुए वचन अलग अलग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो उसी में आ जाएगा अस्ति। दो हैं यदि तो स्तः, और एक दो से ज्यादा कितने भी, 3, 4, 5, 10, 100, तब संति। संति ठीक है। और आपने जब बोला कि मम गृहम, मम पति, मम बालक, मम बालिका संति, तो मम गृहे, क्योंकि घर में है, है ना, हमने कल देखा था, आपको याद होगा शायद, जब घर में या नगर में अपन बोलते हैं ना, दिल्ली नगरे, दिल्ली नगरे घरे, तो ए अंत घर में, क्योंकि गृहम बोला यदि आपने तो सुनने वाले को समझ में तो आ जाएगा, पर गृहम मतलब घर को, तो फिर आप बोल रही हैं कि मेरे घर को एक पति, एक बालक और एक बालिका है, तो घर को तो है नहीं, घर में है। ठीक है, चलिए, तो आपका उत्तर हो गया, अभी आप प्रश्न पूछिए मिश्रा जी से, तो अब मिश्रा जी बोलेंगे उसके बाद। हमने जो प्रश्न पूछा था नहीं, मैं वही ये लिखा है, ट्राई कर रही हूँ, यहाँ पे लिखी हूँ थोड़ा। भवती लड़कियों के लिए होता है। मिश्रा महोदय, भवती भवती हो सकता है ना, भवती लड़कियों के लिए, भवान यदि भवान 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 पूरा परिचय, तो पूरा परिचय, पहले मम नाम राधिका, फिर आगे अपना प्रश्न पूछिए, ताकि आप एक प्रॉपर वाक्य शुरू कर रहे हैं, कम्युनिकेशन। मिश्रा महोदय, मम नाम राधिका, भवान नाम नाम किंतु, यदि आपका बोलना है तो फिर भवतः, फिर भवान नहीं है, भवतः आपका है ना, भवतः आपका, हाँ, भवतः नाम किम, किंतु किम, भवतः नाम किम, या फिर भवतः नाम किम अस्ति यदि लगाना है तो लगा सकते हैं, पर उसकी आवश्यकता नहीं, सिर्फ किम तक आएंगे तो बहुत है ये। फिर से मैं सेंटेंस फिर से बोलूंगी, फिर से पूछूंगी, मम नाम राधिका, नहीं स्टार्टिंग, महोदय मिश्रा जी, महोदय मिश्रा, मम नाम राधिका, भवतः नाम किम? मम नाम डी एस मिश्रा, मम 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 गृह गृह अहमदाबाद नगरे अस्ति, मम गृहे पत्नी सुपुत्र एक सुपुत्र स्तः। उत्तमम उत्तमम उत्तमम। तो अब थोड़ा सा परिचय देना, हम लोग सीख गए हैं कि मेरा नाम क्या है, मेरे घर में कौन है, और यदि आपको किसी और से उसका नाम पूछना है तो भी आप भवतः नाम किम या भवत्याह नाम किम बोल सकते हैं। इतना सबको समझ गया? ठीक है। और महोदय या महोदया पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में हम उपयोग कर सकते हैं, श्रीमान श्रीमती भी कर सकते हैं। मुझे बचपन में ऐसा लगता था, या शायद किसी ने बताया होगा, कि श्रीमती या श्रीमान जब किसी का विवाह हो जाता है उसके बाद बोलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृत के अनुसार श्रीमान श्रीमती आप किसी के लिए भी बोल सकते हैं, विवाह से उसका कोई संबंध नहीं। मेरा भी वही था, इसलिए मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है श्रीमान या श्रीमती बोलने के लिए, क्योंकि जनरली वो मैरिज कार्ड में लिखते हैं। तो इसलिए मुझे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है वो श्रीमान या श्रीमती बोलने के लिए, पर उपयोग कर सकते हैं, मतलब आपको यदि महोदय महोदया याद आ जाए तो वो अच्छा है, नहीं तो श्रीमान श्रीमती भी चलेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लिखा जरूर मिल सकता है, जैसे आप कोई पुस्तक पढ़ रही हैं या कुछ, तो हो सकता है कि वो भी लिखा मिले, तो हमको कम से कम समझ में आ जाएगा कि क्या
बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब हम मिलते हैं या जब हम बिछड़ते हैं, या जैसे हम कक्षा जब समाप्त करते हैं, तो आपने कल शायद सुना होगा कि हमने शुभ दिन या शुभ रात्रि कहा। हमारे जैसे शाम का जो कक्षा होती है उसमें कुछ लोग आते हैं जो भारत के बाहर से हैं, तो उनका उस समय हमारी शाम हो रही होती है, उनका उस समय सुबह हो रहा होता है। तो हम जब कक्षा समाप्त करने वाले होते हैं तब हमको शुभ दिन भी कहते हैं, वो हमको शुभ रात्रि कहते हैं, या हम लोग एक दूसरे को शुभ रात्रि कहते हैं। तो शुभ दिनम, शुभ रात्रि और शुभ संध्या। संध्या मतलब शाम, इवनिंग। ये बहुत उपयोग में आता है जब भी मिलते हैं या कहीं जा रहे होते हैं हम। इसी की श्रृंखला में दो और हैं, सुदिनम और सुनक्तम। तो सुदिनम भी वही शुभ दिनम की जगह सुदिनम भी कह सकते हैं, और सुनक्तम इज गुड नाइट, जो हम अंग्रेजी में शुभ रात्रि या गुड नाइट कहते हैं लोग। तो सुनक्तम भी है और शुभ रात्रि भी है। अब दोनों में अंतर क्या है? एक बहुत, मिश्रा जी आपको याद है तो आप बताइए, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। ये मैंने आपको बताया था कि आप लोग को याद है कौन सा सर? अच्छा, कौन सा? सुदिनम और शुभ दिनम, इन दोनों में अंतर क्या है, और दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है बोलने के लिए? वैसे हैं दोनों संस्कृत ही, दोनों संस्कृत हैं, लेकिन उन दोनों में से भी कौन सा ज्यादा हमारे लिए, शरीर के लिए ज्यादा लाभकारी है, इसलिए वो ज्यादा अच्छा है बोलने के लिए, और क्यों? सुनक्तम सुदिनम हमेशा बोलते, रात हो दिन हो सुदिनम बोलते। हाँ नहीं, मैंने आपको बताया था तो आप बोलिए, नहीं तो फिर मैं अभी आप नहीं, तो एक साथ में बताया नहीं सर। ठीक है, ठीक। तो आप यदि आप वर्णमाला को हम ध्यान से यदि देखते हैं तो हमारा जो क वर्ण, जी जी अभी याद आया, हाँ ये अभी याद आया, आपने बताया च छ ज झ प्राण और स्वल्प प्राण। हाँ, तो जो भी दूसरे कॉलम वाले शब्द आप देखते हैं, जो भी दूसरे और चौथे अक्षर हैं, व्यंजन जो हैं, किसी भी व्यंजन को स्वरों के बिना तो वैसे भी नहीं बोला जा सकता, और हर व्यंजन में आपको ये दिखेगा कि जैसे पहला वाला व्यंजन बोला क, और क के बाद उसमें ह की ध्वनि और जोड़ दीजिए। ये जो ह है ये बहुत ही उपयोगी व्यंजन है, ह की ध्वनि जैसी जोड़ी क में तो वो बन गया ख, क और ह को जो मिलाया हमने तो वो बन गया ख, और वही अगला व्यंजन है ख। उसी प्रकार ये ग है, और चौथा वाला जो है वो है ग में थोड़ा सा ह जोड़ दीजिए तो घ बन गया, तो क ख ग घ। तो ये जो दूसरे और चौथे व्यंजन है हर वर्ग में, क में भी, च वर्ग में भी, ट वर्ग में, सभी में, पूरी वर्णमाला में, पांचों वर्गों में ये आता है, तो जिनमें ये थोड़ा सा अधिक ऊर्जा लगती है ह के साथ बोलने में, क्योंकि ये ख घ, जैसे राधिका तो इसमें ध, राधिका के नाम में भी ध आता है, जो कि हमारा त वर्ग का है, त थ द ध। तो ये वाले जो व्यंजन हैं इनको हम महाप्राण व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इनमें अलग से अतिरिक्त ऊर्जा लग रही है, हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है थोड़ी सी। तो अब जो प वर्ग है उसमें आता है भ, जो हम अभी यहाँ शुभ दिनम या शुभ रात्रि या शुभ संध्या में उपयोग करते हैं। तो जब भी आप महाप्राण वाले अक्षर बोलेंगे, कोई भी जो शुभ में भ आता है, वैसे ही जैसे राधिका नाम में ध आता है, आपके मिश्रा जी के नाम में दुखी श्याम मिश्रा, तो दुखी में जो ख है वो महाप्राण है। तो जब भी हम महाप्राण वाले व्यंजन बोलते हैं, कोई भी अक्षर महाप्राण जिनमें होता है, तो उससे हमारे श्वास में एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा, थोड़ी सी अतिरिक्त ऊर्जा निकलती है और उपयोग होती है। तो जब भी हम महाप्राण अक्षर बोलते हैं तो उससे एक छोटा सा प्राणायाम होता है,
हमारी श्वास के अंदर। तो सुदिनम और सुनक्तम, या फिर इवन जो लोग गुड इवनिंग गुड नाइट ये सब करते हैं उसमें वो लोग कोई भी महाप्राण अक्षर का उपयोग नहीं कर रहे, तो उसमें कोई लाभ नहीं मिल रहा, मतलब हमारे शरीर को कोई लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन जब हम शुभ दिनम या शुभ रात्रि या शुभ संध्या कर रहे हैं किसी को भी, तो उससे हमको भी लाभ मिल रहा है। तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि हमको भी लाभ मिलता है, और फिर जब उसके उत्तर में सुनने वाला भी शुभ दिनम या उसी का अनुरूप उत्तर देगा तो उसको भी लाभ हो जाएगा उसका, क्योंकि वो भ शब्द का, भ अक्षर का उच्चारण कर रहा है। तो अब समझा कि शुभ दिनम, शुभ रात्रि और शुभ संध्या उपयोग करना अधिक अच्छा कंपेयर टू कोई भी दूसरा, सुदिनम सुनक्तम या गुड इवनिंग गुड नाइट गुड डे, इन सब का कोई फायदा नहीं। बहुत ही माइन्यूट पर काफी अच्छा है। हाँ, ये बहुत आवश्यक है समझना, क्योंकि हम अपने हर दिन के बोलचाल में भी ना इन चीजों को इतनी आराम से ला सकते हैं बिना किसी बदलाव के। मतलब हमको अलग से कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई करके ये सब करना है ऐसा नहीं है, सिर्फ पता चल जाए तो हम गुड इवनिंग गुड नाइट की जगह शुभ दिनम शुभ रात्रि शुभ संध्या उपयोग करने लगेंगे, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रश्न पूछने का एक और तरीका देखते हैं। तो अब क्योंकि हमको एक दूसरे के नाम पता चल गए हैं, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है हम थोड़े दिन बाद मिले तो ऐसा कक्षा में कई लोग मिले, अब हमको नाम याद नहीं आ रहे क्योंकि इंटरनेट पे अभी हम हैं तो नाम लोगों के लिखे हुए दिख जाते हैं, तो उतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन जब आमने सामने मिलते हैं तो कई बार होता है कि चेहरा याद आ रहा है पर नाम याद नहीं आ रहा, तो थोड़ा बहुत याद आ रहा है। तो अब हम इसी प्रश्न को, नाम वाले प्रश्न को एक नए तरीके से पूछेंगे। भवत्याह नाम राधिका वा? राधिका महोदय, हाँ, आम, तो संस्कृत में आम, 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 उत्तम। भवतः नाम रामः वा मिश्रा महोदय? ना, मम नाम बीएस मिश्रा। उत्तमम, उत्तमम। तो अब न या आम दोनों में से क्या उत्तर देना है वो भी आपको समझ में आएगा कि यदि आपका नाम जो मैंने पूछा है वो है तो आम, नहीं है तो नहीं, और फिर आप अपना सही नाम बता दीजिए जैसे अभी आपने किया। तो चलिए अब आप प्रश्न पूछिए मिश्रा जी, राधिका जी से पूछिए। भवत्याह नाम बीना, बीना महोदया वा? ना, मम नाम राधिका। उत्तमम, उत्तमम। चलिए अब आप पूछिए प्रश्न राधिका महोदया। भवतः नाम भवतः नाम रामवः, रामः वा? न, मम नामः दुखिश्यामः। धन्यवाद। भवतः नाम राहुल द्रविड़ः वा मिश्रा महोदय? मम नाम डी एस मिश्रा। उत्तमम, उत्तमम। भवत्या नाम वीणा वा? मम नाम राधिका। ना नहीं, नो नाम, तो नाम जो म थोड़ा सा अलग से सुनाई आना चाहिए। नहीं सर, मैडम ने क्या कर रहे हैं, ना बोल देते, हिंदी का ना आ जाता है, वो हिंदी का ना नहीं, संस्कृत का न, न, अच्छा वो न बोल रहे थे आप, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। मम नाम राधिका। मम नाम, एक बार फिर से कोशिश कीजिए। मम नाम राधिका। उत्तम, हाँ, उत्तम। तो जैसे हम राम कृष्ण, इसमें भी जो है ना ये भी एक बहुत बड़ा चीज है कि राम कृष्ण महाभारत रामायण, तो ये जो मूल संस्कृत के शब्द हैं इनमें अंत में थोड़ा सा एक अ की ध्वनि होती है,
तो अब जब अंग्रेज लोगों ने 300-400 साल पहले हमारे काव्य और ये सारी की सारी इतिहास को पढ़ा देखा, तो उनको वो ध्वनि का उच्चारण जो है ए के बिना समझ में नहीं आया, तो उन्होंने RAMA रामा कृष्णा ऐसे दिखने वाला कर दिया। तो उसको जब बाद में आजकल हम लोग पढ़ते हैं तो उसको वो रामा कृष्णा की तरह बोलने लगते हैं, जबकि वो राम कृष्ण इस तरह का उच्चारण है। पर ठीक है, वो अलग अलग भाषाओं में अपना अपना एक तरीका होता है उच्चारण करने का, तो वो ठीक है, पर क्योंकि अंग्रेजी पढ़ के हम कर रहे हैं इसलिए वो रामा कृष्णा निकल रहा है मुंह से। यदि पहले से संस्कृत पढ़ ली होती राधिका महोदया, तो हाँ सही है। राधिका महोदया, त्वं किं करोषि? मैं एक्चुअली हम IIT में विद्यार्थी अस्मि। ओ, IIT महाविद्यालये विद्यार्थी अस्मि। IIT महाविद्यालय अस्मि। महाविद्यालये, जैसे वो नगरे हम बोलते हैं ना, दिल्ली नगरे, नगर, हाँ विद्यालय, हाँ विद्यालय। अंत में ए जैसा। हाँ, पठामि। उत्तमम उत्तमम। तो अब हम इन रूपों को देखते हैं, ये जो हमने लिखे हैं यहाँ पे, अब हमको थोड़ा थोड़ा प्रश्नोत्तर करना समझ में आने लगा है, अपने कम से कम अपने परिचय जितना प्रश्नोत्तर। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने ये उत्तम पुरुष वाली चीजें देखी थी, ये जो अंतिम पंक्ति दिख रही है नीचे वाली, यहाँ पे ये वाली अंशु अंशु महोदय, राधिका, मुझे बोलिए। एक प्रश्न पूछना है। अभी उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा था, अगर मुझे बोलना है विद्यार्थी तो हूँ लेकिन गृहिणी, गृहिणी इज लाइक हाउसवाइफ। हाँ, ओके तो आप बोल सकती हैं कि हम IIT विद्यालय महाविद्यालय विद्यार्थी गृहिणी च और अस्मि। तो जहां पे भी और लगाना है ना, तो जिस शब्द के हाँ पहले हमको और लगाना है उस शब्द के बाद में हम च लगाते हैं। ओके तो मैं थोड़ा सा सरल वाक्य पहले आपको बताता हूँ, तब हम ज्यादा जल्दी समझेंगे। कि मैं फल और पुष्प, मतलब मैं फल और फूल दोनों लाता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, हम फलम पुष्पम च नयामी, तो मैं ले जाता हूँ। नयामी मतलब ले जाना है, और आनयामी, आ लगा दिया शुरू में तो वो लाना हो जाएगा, वो हम बाद में सीखेंगे, पर अभी के लिए इतना, नयामी ले जाना। तो अब आपको दिखा कि जहां पे भी हमको और लगाना है उस अक्षर शब्द के के बाद में। बाद में हम हाँ च लगा देते हैं। ओके तो आप यदि बोलेंगी कि अहम विद्यार्थी गृहिणी च अस्मि, तो हो गया, मैं विद्यार्थी भी हूँ और गृहिणी भी हूँ। मैं विद्यार्थी मिश्रा महोदय, और गृहिणी हूँ। मैं फिर से बोलूंगी, हाँ मैं हाँ अपना आंसर फिर से बोलूंगी। उत्तम उत्तम। मिश्रा महोदय, मम IIT विद्यालये विद्यार्थी गृहिणी च अस्मि। राधिका महोदया, किं विषये पठामि पठसि? मम कंप्यूटर साइंस संगणक विषय, विज्ञान, संगणक विज्ञान। ओके कंप्यूटर संगणक अभी देखा था ना, विज्ञान, संगणकम, हाँ या करेक्ट करेक्ट, आई हैड उसी रिटन से, आल्सो। हाँ हाँ उसी से बन गया संगणकम, संगणकम विद्याय ये विज्ञान, संगणक विज्ञान विज्ञान विज्ञानम। विज्ञान
संगणकम विद्यानम संगणकम विद्यानम पढ़ रही हूँ, बोलने के लिए क्या है, पठामी। हाँ, एक और चीज अभी है, जैसे आपने अभी संगणक विज्ञानम संगणकम विज्ञानम दो अलग अलग बोला ना, तो क्योंकि आप वो कंपाउंड वर्ड की तरह एक बड़ा शब्द बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो दोनों में अम लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो संगणक विज्ञानम उतना बहुत है, संगणकम विज्ञानम में वो ज्यादा हो जाएगा, जबकि हम उसको एक सिंगल एक ही शब्द की तरह ले रहे हैं। संगणक विज्ञान भी चलेगा, जैसे हम बोलते हैं ना महाविद्यालय, तो अब विद्यालय एक शब्द है और महा एक और शब्द है, हाँ। हमने जोड़ दिया तो महाविद्यालय एक ही हो गया। महा में भी नहीं तो आप ए लगाने की कोशिश कर सकते हैं और विद्यालय में भी अलग से ए लगा सकते हैं। संगणक विज्ञान, हाँ, तो जब कंबाइन करते हैं तो जो आखिरी वाला शब्द है उसमें हम जो भी लगाना है विभक्ति के अनुसार, जैसे यहाँ पे म लगेगा क्योंकि उसको आप पढ़ रहे हैं, तो संगणक विज्ञानम विज्ञानम है या विज्ञानम है वो संगणकम। हाँ, तो अब ज्ञ जो एक शब्द अक्षर है ये थोड़ा सा अलग अलग तरह से उच्चारण होता है इसका। इसका उच्चारण उत्तर भारत में हमने ज्ञ की तरह भी सीखा है और इसका उच्चारण हमने और कई राज्यों में न्य की तरह भी देखा है, और दोनों होता है, तो इसमें शुद्ध अशुद्ध जैसा कुछ नहीं, वो ज्ञ भी बोलते हैं ज्ञ भी बोलते हैं, तो दोनों चलता है। तो विज्ञानम भी बोलते, कई लोग विज्ञानम भी बोलते हैं, तो जो बोलने के लिए आसान है हमको चलता है वो बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ शब्द हमारी जीभ के ऊपर या मुंह में आराम से आ नहीं पाते, तो जो आ जाते हैं वो बोल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपकी इसको कैसे उच्चारण करना ठीक है, तो अब हम उसी तालिका पे एक बार फिर से चलते हैं। हाँ, तो उत्तम पुरुष का अभी हमने कई सारे वाक्यों में भी उपयोग किया अहम के साथ में, ये जो अहम है मैं अहम पठामी, तो अब ये तालिका में हमने क्या किया है कि पहले उत्तम पुरुष ही देखेंगे, बाकी बात पुनः नमो नमः राधिका महोदय, राधिका जी आने वाली है। हाँ, आ गई। सर्वेषां नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। मम लाइन कट कट के लिए क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, कट आगतः अभी अस्मि, देखो अस्मि कहाँ पे अप्लाई होगा, जहाँ पे हम मैं हूँ जहाँ पे बोलना है ना वहाँ पे, लेकिन यहाँ तो लाइन कट गई है। हाँ, तो अस्ति कट अस्ति, हाँ वैसे भी बोल सकते हैं, अभी के लिए वर्तमान काल में ही हम ध्यान देंगे जो अभी चल रहा है, तो अस्ति भी चलेगा। हाँ। मम इंटरनेट, अब इंटरनेट के लिए एक शब्द है अंतरजाल, अंतरजाल। हाँ, अंतरजालम, तो मम अंतरजालम नास्ति, तो उतने में ही समझ में आ जाएगा कि मेरा इंटरनेट नहीं है यार,
तो अभी जो 6-7 दिन में आपके पास पुस्तकें आने वाली है ना, उनमें ये सब ऐसे ऐसे शब्द फिर आपको मजा आएगा। मतलब कभी भी मन हुआ कि इस शब्द को कैसे बोलते हैं संस्कृत में, तो फिर वो शब्दकोश भी आने वाले हैं, तो शब्दकोश को उठा के देख लीजिए, फिर कक्षा में उसका उपयोग भी कर सकते हैं कोई वाक्य बनाने में कुछ भी। तो अभी हम उत्तम पुरुष को देख रहे थे ये कटने से पहले, तो अहम पठामी ये वाला उपयोग अभी अभी हमने कर लिया है थोड़े वाक्यों में। जैसे आपसे किसी ने भी पूछा कि त्वम किम करोति, सॉरी त्वम किम करोसी, या भवती किम करोति, भवान किम करोति, तो हम बताते हैं कि अहम संस्कृतम पठामी, अहम संस्कृतम लिखामी, ऐसे हम बता सकते हैं। पठामी लिखामी वदामी, वदामी मतलब बदामी का क्या अर्थ है? बोलना। बोलना। तो मैं संस्कृत बोल रहा हूं या बोल रही हूँ, तो पठामी लिखामी तो आपको समझता है ना, वो तो थोड़े आसान है। बदामी बोलने के लिए है। तो ये है अहम मतलब एक वचन, मैं सिर्फ अपने लिए बोल रहा हूँ। लेकिन मान लो कि आप लोग कक्षा में 4-5 लोग हैं, जैसे अभी आप 2 लोग हैं, और मैंने अब आपसे पूछा कि भवान किम करोति, तो अब मैंने तो आपसे पूछा, लेकिन आप बोलना चाहते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप सिर्फ ये नहीं बोलना चाहते कि मैं पढ़ रहा हूं, आप बोलना चाहते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं, तो तब आप इसका उपयोग वयम कर सकते पठामः। हैं। हाँ, तो अहम का ही द्विवचन में आवाम हो जाता है और बहुवचन में वयम। ये जो इस तालिका में लिखा हुआ है, तो आवाम पठावह और वयम पठामह, तो सिर्फ आमह इतना अंतर है। तो भवान किम करोति मिश्रा महोदय, मिश्रा महोदय, अहं संस्कृतं वदामि। ओके, मैं इसी प्रश्न को दूसरी तरह से पूछता हूँ। यूयम किम पुरुथ मिश्र महोदय, वयं संस्कृतं वदामः। उत्तम। हाँ, तो ये वयम का उपयोग मैं चाहता था कि आप करें, इसलिए ऐसा प्रश्न पूछा कि हम सब पढ़ रहे हैं या हम सब संस्कृतम बोल रहे हैं। चलिए अब आप प्रश्न कीजिए राधिका जी से। राधिका महोदया, त्वं किं करोषि? वयं संस्कृत संस्कृतम्, पाठामः हाँ पठामः, पठामः हाँ ठीक, पठामः। उत्तमम् उत्तमम्। उत्तमम् उत्तमम्। आपको हिंदी मतलब देवनागरी पढ़ने में आसान है ना राधिका जी? नहीं तो हम उसके लिए भी अलग से मिल सकते हैं। नहीं, आसान है लेकिन थोड़ा धीरे से पढ़ पाती हूँ मैं, उतना हाँ फास्ट हाँ नहीं, चलेगा आदत चलेगा, नहीं है, धीरे धीरे से आदत हो जाएगा। धीरे धीरे आदत हो जाएगी, 4-5 कक्षा में ही आपकी आदत हो जाएगी। और आपको चाहिए तो ये वाले वीडियोस आप यदि लिंक देखेंगी ना उसमें, तो उसमें प्लेलिस्ट की भी एक पूरी लिंक है जिसमें पीछे के ऑलमोस्ट 4-5 कक्षाएं भी हैं, तो कभी भी जब मन में आए देख सकती हैं। तो थोड़ी थोड़ी आदत पड़ेगी उससे, क्योंकि इसका क्या है फायदा कि ये हिंदी में भी यही अक्षर उपयोग होते हैं, संस्कृत में भी वही अक्षर है, मराठी में भी वही अक्षर उपयोग होते हैं। तो ये यदि देवनागरी लिपि हमको आ गई तो हम कई और भी कई भाषाओं को थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। और हाँ, आपको तो आती है, मतलब उत्तम। सिर्फ इतना है कि शायद थोड़ी आदत कम है तो धीरे धीरे पढ़ती है, वो हो हाँ, जाएगा धीरे मुझको। से पढ़ पाती हूँ। हाँ, तो मतलब वही है कि पढ़ती हूँ तो अक्षरे पढ़ती हूँ, नहीं शब्द, हाँ तो हाँ मैं समझ गया, इसलिए वो पहले थोड़ा। अक्षर पढ़ती है फिर धीरे धीरे उसका दिमाग में आता है कि अच्छा ऐसे बोलना है। हाँ, हाँ हाँ ठीक है, कोई
कोई मुश्किल नहीं, चिंता मास्तु, चिंता नहीं या नो प्रॉब्लम, डोंट वरी के लिए हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चिंता मास्तु। हाँ, चिंता मास्तु, ये मास्तु, मा 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 करता हूँ, दिखाता हूँ कहाँ पे लिखा है। ये लिखा है म में आ की मात्रा है, तो चिंता मास्तु। अब आपको ध्यान में आएगा कि जब हम जाते समय बोलते हैं ना पुनर्मिलामह, तो हम असल में क्या बोल रहे हैं? मिलामह का क्या मतलब? फिर मिलेंगे, मिलेंगे। हाँ, तो इसमें वयम जो है अंडरस्टूड है, क्योंकि वयम के साथ ही मिलामह आएगा ना। जैसे हम ही अभी बोले वयम पठामह या वयम वदामह। हाँ सर, सर सर इस तरह अहम मिलामी। हाँ, अहम यदि बोलना है आपको, सिर्फ अकेले खुद का बोलना है, तो अहम मिलामी बोल सकते हैं, पर हम अधिकतर कक्षा में जाते समय ऐसे बोलते हैं ना, पुनः मिलाम। अब तो बहुवचन ही लगता है, तो इसलिए हम पुनः मिलामह कह देते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, ये उदाहरण में लिखा है। और एक पुस्तक का नाम सुना है क्या आपने? वयम रक्षामह, आचार्य चतुरसेन की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, कि हम रक्षा करेंगे या हम रक्षा करते हैं, एक बहुत बढ़िया पुस्तक है वयम रक्षामः। है वो हिंदी में, लेकिन उसका नाम संस्कृत में है। संस्कृत में प्लीज को क्या बोलेंगे? प्लीज, अनुरोध जो करेंगे, कृपया। ओके, कृपया कृपया तुम पठतु। हाँ, लेकिन पठतु का वैसे भी अर्थ निवेदन ही है। तो जैसे मैं आपसे बोलता हूँ ना प्रश्न पृच्छतु, तो मेरा अर्थ है कि प्रश्न पूछिए या कृपया प्रश्न पूछिए। तो मैं कृपया साथ में लगा भी सकता हूँ, उसमें कोई हानि नहीं है, उससे वो डबल निवेदन जैसा हो जाएगा। व्हाट्सएप में दो तीन संस्कृत के लिखा था, जब मैंने पेमेंट किया। आपकी आवाज बहुत थोड़ी धीरे हो गई है मिश्रा जी। मैंने जब किताब के लिए पेमेंट किया, उसमें कुछ दो तीन संस्कृत में लिखा था आपको, तो सही था? अभी तो मुझे ध्यान नहीं, आप कहाँ पे बोल रहे हैं? आपने ग्रुप में लिखा था कि कहीं पे? ना ना, मैं आपको इंडिविजुअल लिखा था। अच्छा, देखना पड़ेगा, अभी मुझे याद नहीं है, पर मैं देख लूंगा फिर आपको बता दूंगा। ठीक 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 माँ ठीक है। और अभी यदि आपको हम दोनों वाली कोई बात बोलनी है, जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि राधिका महोदया एवं मिश्रा महोदय वाम किम पठतः, तो अब तुम दोनों, युवाम जो है ये तुम दोनों है, ये मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष मतलब हम सामने वाले से जब बात कर रहे हो, तो पठसि पठतः पठथ, इसमें भी थ को अलग से बोला बोलना होगा, जैसे राम कृष्ण वैसे पठथ। तो मैंने प्रश्न किया कि अभी मैं राधिका महोदया से करता हूँ, राधिका महोदया युवाम किम पठथ? अहम में तो सिर्फ मैं हो गया, लेकिन मैंने पूछा युवाम मतलब आप दोनों क्या बोल रहे हैं? अहम नहीं, ये तालिका में देखिए, यहाँ पे लिखा अहम का मैं जो लिखी थी, ये वाला अभी आपने लिखा नहीं है शायद। तो असम अस्म नहीं, ये अस्माकम लिखा था क्या आपने? अस्माकम बोल रही हैं आप शायद। अबाम संस्कृतम पठाबह। अवाम, राइट?
हाँ आवाम मतलब हम दोनों। आवाम, हाँ आवाम, आवाम संस्कृत संस्कृतम। पठतः, संस्कृतम अब पठतः, पठतः जो है पठत वो तो तुम दोनों के लिए होता है ना, लेकिन आवाम के साथ क्या होता है, ये लिखा है वहीं उसी के साथ में ही लिखा हुआ है। पठावः, हाँ पठावः। तो जैसे वयम पठामः वैसे ही आवाम पठावः, तो जब दो लोग ओके हैं okay. तो वह लग जाएगा, और दो से ज्यादा हैं तो पठामः या लिखामः जो भी आपको बोलना है। ठीक है, तो ये अंतर समझा कि मैं, हम दोनों या वयम, हम सब। तो ये हम सब है, वयम मतलब हम सब, आवाम मतलब हम दोनों, और अहम मतलब सिर्फ मैं, केवल मैं। तो अब तो इसको लिख लीजिए, अहम यदि लिखा पठामि, नहीं है तो अवम पहले लिख पठावः, लीजिए। और वयम पठामः। हाँ एक लिख लीजिए, और साथ में आप मिश्रा जी से प्रश्न भी पूछ ले, यही वाला प्रश्न या इससे मिलते जुलता कोई प्रश्न पूछ पूछ लीजिए। वयम, इट इज वयम और वयम, वयम यु व युवा नहीं, युवम युवम, कौन सा, युवम, आप मध्यम पुरुष का द्विवचन बोल रही हैं या कौन सा वाला बोल रही हाँ पुरुष का द्विवचन बोल रही हूँ, वियम, वियम हैं? नहीं, मध्यम युवम नहीं, पुरुष युवम का तो बहुवचन होगा, द्विवचन जो है युवाम है, युवाम होगा। और बहुवचन जो है वो यूयम है। ओके युवम, बहुवचन हाँ तो यूयम आप देख रही हैं शायद, तो वो बहुवचन में है। हाँ एक युवाम, युवाम युवाम, युवाम किम पठतः, युवाम, मिश्रा महोदय, युवाम किम वदामः, वदथ वदामः, वदथ। वदामः, यदि वद के बारे में आप बोल रही हैं तो वदथ, क्योंकि आप युवाम पूछ रही है ना, तो युवाम के साथ वदथ ही आएगा। पठा तो होगा करेक्ट। हाँ पटाथ, हाँ पठथ। वदातः, वदतः एक बार फिर युवाम से किम पूरा पठत प्रश्न पूछ लीजिए, बदाम बदथः, एक बार फिर से पूरा प्रश्न बोल लीजिए। मिश्रा महोदय, युवाम किम वदा वदतः, उत्तम। राधिका महोदया, आवाम संस्कृतम बदा बह। उत्तम उत्तम। हाँ तो अब देखिए, जब हम आवाम बोल रहे हैं तो उस क्रिया का जो है, क्रिया का रूप थोड़ा सा बदल गया, वदावह या पठावह इस तरह से हो गया। और जब आप युवाम हाँ वाला पूछ रही थी सामने वाले से, तो वदथह या पठथह उस तरह से उपयोग करते हैं। तो ये तालिका को धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी, पर अभी हम समझ जाएं वो आवश्यक है और उसको लिख लें। तो जब आप जैसे जैसे उपयोग करेंगे, जितनी बार उसको उपयोग करेंगे, हमको और आदत होती जाएगी। उत्तम पुरुष का समझ में आ गया सबको, अहम आवाम वयम, पठामि पठावह पठामः। ठीक है, और अब मध्यम पुरुष में भी अभी बीच बीच में एक दो बार प्रश्न किया है किसी किसी, शायद मिश्रा जी ने किया था कि त्वम किम पठसी, तो त्वम वाला जो उपयोग है वो एक वचन है, त्वम मतलब एक वचन, और अभी हमने युवाम और युयम तो देख ही लिया, तुम दोनों हो तो अब। एक्चुअली मुझे कैसे ये था, मैं हमेशा सोचती थी कि प्रथम मतलब पहला, सही बात नहीं है। वो उल्टा हो जाए, इंग्लिश में पहला है बट इसमें उत्तम तो उत्तम है। ओके ये क्योंकि संस्कृत यहाँ पे भाषा मैं की सुंदरता है कि प्रथम पुरुष हम, क्योंकि हमारी संस्कृति में, संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं है, हमारी संस्कृति है, तो संस्कृत में क्या होता है, या हमारी संस्कृति में आप समझ लीजिए कि हम दूसरे को बहुत महत्व देते हैं। हम कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव, क्यों कहते हैं, क्योंकि हाँ क्योंकि कोई भी और हमारे अलावा दूसरा जो इंसान है उसको हम बहुत महत्व देते हैं, तो इसीलिए वो प्रथम पुरुष है, सामने वाला या ओके दूसरा आदमी, कोई भी थर्ड पर्सन, जिसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है वो उसको थर्ड मानती है, लेकिन हमारे लिए संस्कृत में प्रथम पुरुष मतलब थर्ड पर्सन, क्योंकि हमारी संस्कृति में उसको इम्पोर्टेंस देते हैं हम।
जैसे मतलब रिस्पेक्ट के साथ बोलना किसी को, मतलब वो प्रथम पुरुष हो जाता है, और छोटे बच्चों से या फिर ऐसे मध्यम पुरुष हो जाता है, ऐसे होता है। मध्यम मतलब तुम, जैसे तुम, मैं तुमसे यदि आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे तुम या तुम दोनों या तुम सब इन इस शब्द का उपयोग करना है, तब हम मध्यम पुरुष की बात कर रहे हैं। प्रथम पुरुष मतलब वो, जैसे मैंने बोला कि राधिका जी वो कहाँ जा रहा है या वो क्या कर रहा है, तो मैं आपसे किसी और के बारे में पूछ रहा हूँ। ठीक है ना, तो मतलब द थर्ड पर्सन, करेक्ट। हाँ, तो इंग्लिश में जिसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, तो संस्कृत में उसी को प्रथम पुरुष कहते हैं। तो प्रथम पुरुष हम अगली बार सीखेंगे, अगली कक्षा में। अभी 5 बज गया है, तो अब कक्षा समाप्तम करोमि। पुनर्मिलामः, शुभ रात्रि सर्वेषां, नमो नमः, पुनर्मिलामः, शुभ रात्रि। धन्यवाद अंशु महोदय, कक्षा उत्तमम् अस्ति, अधिक अधिक इंटरेस्टिंग था, उत्तमम् अस्ति, उत्तमम् अस्ति, उत्तम इंटरेस्टिंग के लिए आप रुचिकर बोल सकती हैं, पर थोड़ा एडवांस्ड वर्ड है तो उत्तमम् काफी है। रुचिकर उत्तमम् अस्ति, रुचिकरम् अस्ति। धन्यवाद, पुनर्मिलामः, सर्वेषां नमो नमः। धन्यवाद राधिका महोदया, पुनर्मिलामः, सर्वेषां नमो, पुनर्मिलामः, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, पुनर्मिलामः।